हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिकी विज्ञान कक्षा 12 चैप्टर 2 का पार्ट 12। आज हम पार्ट 12 में पढ़ेंगे धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव व उदाहरण 2.8 को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी समांतर प्लेट में जब हम धारिता की बात करते हैं तो उसके लिए हम सूत्र ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि उसके लिए धारिता का क्या सूत्र होता है। लेकिन अभी हम पे हम बात करने वाले हैं कि उस धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। हमने देखा था परावैद्युत क्या होते हैं। परावैद्युत बेसिकली अचालक पदार्थ होते हैं। जब इन अचालक पदार्थों को हमने जानने वाले यहाँ पर कि इन अचालक पदार्थों का उस धारिता पर किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र हो सकता है, वो उसके बीच में अगर हम इस परावैद्युत प्रभाव को डाल देते हैं, भर दिया जाता है, तो उस समय उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मान लेते हैं कि पट्टिकाओं के मध्य कोई परावैद्युत रखा गया है। समांतर पट्टिका अगर हम माने, हमारे पास कोई समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसमें कि यहाँ पे प्लस चार्ज होता है और यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव आवेश होता है। इसके मध्य हमने परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, इनके के परावैद्युत को हम के से डिनोट कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो परावैद्युत होता है वो ध्रुवित हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वैसे तो वे क्या होते हैं, उनमें धारा का प्रभाव नहीं हो सकता है। लेकिन जब ये परावैद्युत पदार्थ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं तो वे ध्रुवित हो जाते हैं, इसी को हम ध्रुवण कहते हैं, ये हमने देखा था। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है कि धारिता पर क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो ये हमें डेरिवेशन निकालनी है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि धारिता का सूत्र क्या होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू बटे वी, राइट। ये सूत्र हमने देखा था। तो हम यहाँ पे डेरिवेशन क्या करने वाले हैं, हमें धारिता को निकालने के लिए V की जरूरत पड़ेगी, यानी विभवांतर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हमें। तो अब यहाँ पे विभवांतर निकालना होगा, और विभवांतर का सूत्र हम जानते हैं, एक सूत्र होता है इसका कि V बराबर होता है हमारे पास E डॉट D। E मतलब वैद्युत क्षेत्र और डी मतलब डिस्टेंस, दूरी, इन समांतर प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, दैट इज डी। तो हमें यहाँ से विभवांतर मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे विभवांतर को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षेत्र चाहिए है, हमें चाहिए होगा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो अगर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र भी निकल जाता है तो हमें विभवांतर मिल जाएगा। अगर विभवांतर मिल जाता है तो हमारे पास धारिता का सूत्र आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि उस धारिता पर एक परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम वैसे हम वैद्युत क्षेत्र भी जानते हैं इस केस में, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में काफी बार डिस्कस किया है कि समांतर प्लेट संधारित्र के केस में एक वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। तो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वह होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, राइट। सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस तरह का हमारा सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र में। सिग्मा यहाँ पर होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसको हम देखते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पे निकालने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। चलिए देखते हैं इसको। तो माना इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा पी और सिग्मा पी, मतलब जो नेगेटिव वाली प्लेट है उसका माइनस सिग्मा पी मान लेते हैं, और जो पॉजिटिव वाली प्लेट है उसको मान लेते हैं सिग्मा पी, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो हम देखेंगे कि पट्टिकाओं का जो नेट आवेश घनत्व होगा उसमें कमी आ जाएगी, और वे घनत्व कितना हो जाएगा, वे घनत्व हो जाएगा प्लस माइनस सिग्मा पी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, फिर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम कहें अगर कि हम सिग्मा माइनस सिग्मा पी को अगर हम इस तरह से लिखें सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा मान आ जाएगा ई बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं सिग्मा मतलब क्या, सिग्मा मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि क्यू बटे ए, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है प्रति इकाई क्षेत्र में आवेश की मात्रा को ही हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र का, वह आ जाएगा ई बराबर क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो वैद्युत क्षेत्र निकल चुका है, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं अपना विभवांतर। तो फिर हमारे पास विभवांतर का सूत्र हो जाएगा V बराबर ED
और एक ही वैल्यू हम पीछे से यहाँ पे रख देंगे और हमारे पास आ जाएगा क्यू डी बटे के ए एप्सिलॉन नॉट। जो हमारे पास बी भी निकल चुका है तो यहाँ से हम धारिता निकाल सकते हैं सी, तो सी बराबर आ जाएगा क्यू बटे वी। अब आप यहाँ पे वी की वैल्यू रख दीजिए तो क्यू बटे आ जाएगा क्यू डी बटे के ए एप्सिलॉन नॉट, और फिर अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो धारिता बराबर हो जाती है के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो यहाँ से अब आप यहाँ पे रिलेशन दे सकते हैं के मतलब परावैद्युत, तो आप धारिता और परावैद्युत के बीच यहाँ पे रिलेशन दे सकते हैं। जो धारिता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, के, यानी कि धारिता अनुक्रमानुपाती है के, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर परावैद्युत बढ़ेगा, परावैद्युत का मान बढ़ता है तो धारिता का मान घट जाता है, और धारिता का मान घटता है तो परावैद्युत का मतलब वहां पर कम है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन धारिता एंड परावैद्युत। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे जो के एप्सिलॉन नॉट है वो माध्यम का परावैद्युतांक होता है, राइट? तो अगर हम यहाँ बात करें सिग्मा बराबर हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के। क्यों हमने ऐसा लिखा यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं सिग्मा बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट के, और एप्सिलॉन नॉट को आप यहीं पे रख दीजिए और जो कुछ यहाँ बचता है वो उसको हम इस साइड राइट साइड लेके जाए और इसको हम मान लेते हैं सिग्मा, सिग्मा मान लेते हैं उसको। तो सिग्मा बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो परावैद्युतांक है के, उसकी वैल्यू आ जाती है के बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत रखने पर उसके धारिता में वृद्धि होती है, क्योंकि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उदाहरण 2.8 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि के परावैद्युतांक के पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, हमारे पास समांतर पट्टिका संधारित्र है, उसकी जो पट्टिकाओं का क्षेत्रफल होगा ए, वह के परावैद्युतांक के पदार्थ के गुटके के क्षेत्रफल के समान ही है, लेकिन जो गुटके की मोटाई है वो 3/4d है। यहाँ पर d क्या है, उन पट्टिकाओं के बीच का पृथक्करण यानी उसकी दूरी है। पट्टिकाओं के बीच जब गुटके को रखने पर, गुटका क्या है, गुटका एक परावैद्युतांक तो है, तो जब हम पट्टिकाओं के बीच में परावैद्युतांक या गुटके को रखने पर उस संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जब पट्टिकाओं के बीच में कोई भी परावैद्युत नहीं है तब उसके बीच में कितना क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि वही कहानी यहाँ पे भी, हमें धारिता निकालनी है तो उससे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, राइट? तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र निकालने वाले उस केस में जब उसके बीच में कोई परावैद्युत नहीं भरा गया। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ई बराबर आ जाएगा बी डी, क्योंकि v बराबर ई डी होता है तो e बराबर v अपॉन डी आ जाएगा, क्योंकि विभवांतर हम वहां पे v नॉट लेके जा रहे हैं। लेकिन जब उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दिया है, वो गुटका रख दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि उसका जो विभवांतर था वो बढ़ जाएगा e नॉट है, तो e बराबर e नॉट बटे हमने k रख दिया है, राइट? तब विभवांतर क्या हो जाएगा इस केस में, वैद्युत क्षेत्र निकाल दिया हमने तो अब हमें विभवांतर भी निकालना होगा, राइट? तो वहां पे विभवांतर हो जाता है हमारे पास ई नॉट 1/4d प्लस ई नॉट बटे 3/4d, क्योंकि हम जानते हैं कि परावैद्युतांक जो है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3/2 है इनिशियल डिस्टेंस के। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ई नॉट डी कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाता है ये, इसको सॉल्व करने पे हमारा जो विभवांतर है उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हमें विभवांतर मिल चुका है तो हम इसके धारिता का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो धारिता होगी वो क्या आ जाएगी, सी बराबर क्यू बटे वी, क्यू की वैल्यू तो क्यू नॉट ही यहाँ पे आएगा, लेकिन हम पीछे से अगर वी की वैल्यू यहाँ पे रख दे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है सी बराबर 4k बटे k+3 c नॉट। हम देखते हैं जो विभवांतर है यहाँ पर वो k+3
बटे 4/k गुणज कम हो जाता है। आप प्रीवियस में यहाँ पे जा रहे हैं तो वी जो था, यानी कि जो हमारा इनिशियल था विभवांतर, और जो फाइनल विभवांतर है कुछ इस तरह से, सॉरी वी मतलब यहाँ पे हुआ हमारा फाइनल विभवांतर कितना हुआ, वी नॉट मतलब इनिशियल विभवांतर। जो फाइनल विभवांतर वी है वो बराबर है वी नॉट के प्लस 3/4 के। इसका मतलब ये होता है कि विभवांतर में इतने के गुणज द्वारा वो कम हो जाता है, जबकि पट्टिकाओं पर आवेश तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन उसके विभवांतर में हम देख सकते हैं यहाँ पे कमी आ रही है। तो हमसे ये पूछा गया था संधारित्र की धारिता में यहाँ पे वृद्धि होती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रिव्यू। हमने जाना यहाँ पर कि संधारित्र की प्लेटों के बीच जब परावैद्युत रखते हैं तो उसकी धारिता में वृद्धि होती है। उसका हमने सूत्र देखा सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी होता है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। आवश्यक शर्तें थी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के बारे में, उसका सूत्र, आवेश घनत्व और परावैद्युत हमें पता होना चाहिए। आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे संधारित्र का संयोजन के बारे में और उदाहरण 2.9 को। सो थैंक यू।